Today I'm here, Janvi Kaur, a professional makeup artist and a beauty consultant. Today we are going to start with the engagement makeup on this pretty lady. So I'm going to do with the engagement makeup. So as you can see, she's wearing a very nice rose pink color gown. So we're going to do something on our eyes with rose pink matte finish look, yeah? I'm going to do with the eye base first. We're going to start with the eye base. Why we apply with the eye base is so that, you know, whatever pigment we are using, उसकी ग्रिप अच्छी आ जाती है, कलर्स अच्छे से दिखते हैं अगर हम आई बेस अच्छे से, आई प्राइमर अच्छे से कर देते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन विद हर सीटीएम, सो आई एम स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग विद हर आई मेकअप नाउ. मैंने ब्रश से एप्लीकेशन कर लिए, अब मैं सॉफ्ट हैंड से, रिंग फिंगर्स स्पेशली, अब इसको हल्का से डैप करूंगी सो दैट ये अच्छे से मर्ज हो जाए इसमें. As I told you कि हम मैट फिनिश यूज कर रहे हैं, तो वो मैट फिनिश का कलर्स दिखना बहुत जरूरी है. आप डैपिंग से इसको मर्ज कर लेंगे. I'll pick up a blending brush. This is a blending brush, and I'm going to create a crease for her eyes because her eyes are really small. So I'm just going to create a small imaginary crease for her eyes. तो यूजुअली जब हम क्रीज करते हैं तो हम कोई भी अपना स्किन टोन कलर ही लेते हैं इन टोन्स ऑफ ब्राउन अर्दी कलर्स, एंड वी जस्ट क्रिएट अ इमेजिनरी क्रीज लाइन सो दैट हमारे को पता है कि आईब्रोज और आईज के बीच में एक डिस्टेंस, एक गैप होना ज़रूरी है. सो आई एम मेकिंग दिस इमेजिनरी क्रीज. As I told you कि इनकी आईज बहुत छोटी हैं, तो हम एक आईज खोलना बच्चों, हम एक आईज खुलवा के एक क्रीज लाइन बनवाते हैं सो दैट हमारे को एक एरिया मिल जाता है कि कहाँ हम अपने कलर्स को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स अगर बहुत ऊपर तक चले जाएंगे तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है. बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आई एम मेकिंग दिस क्रीज. आउटर कॉर्नर्स को भी बिल्कुल एक वी शेप दे देंगे बिकॉज ऑब्वियसली हमारी आईज एक आलमंड शेप की तरह दिखनी चाहिए. सो नाउ एज आई टोल्ड कि शी इज वेयरिंग अ पिंक, वेरी नाइस रोज पिंक कलर, सो विल प्ले समथिंग इन कलर्स ऑफ पिंक, शेड्स ऑफ पिंक ओनली. मैंने इसमें डार्क रोज पिंक कलर उठाया है सो दैट आई कैन प्ले ऑन द आउटर कॉर्नर्स विद द रोज पिंक कलर. इसको मैं हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ अंदर की साइड पे. सिमिलरली सेम कलर दूसरी आंख पे भी हम लगाएंगे. तो मेरे को एक बाउंड्री मिल चुकी है कि मेरे को कहाँ तक लेना है अपना कलर, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, तो आई एम वर्किंग इन दैट बाउंड्री ओनली. मेरा रोज कलर आउटर कॉर्नर्स पे, डार्क रोज कलर मैंने आउटर कॉर्नर पे लगा दिया. जो मेरा मैंने शेप बनाया है कंटोरिंग का, आई कंटोर का, उसी पे ही मैं ये कलर कर रही हूँ. आईज खोलो, कैन यू सी द कलर? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ब्राउन एंड देन रोज गोल्ड हियर. मैं दूसरा ब्रश लूंगी और उससे फिर मैं मीडियम पिंक कलर लगाऊंगी. मीडियम पार्ट पे आईज का जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ पे हम अपनी आई बॉल भी फील करते हैं, उस पे मैंने एक मीडियम कलर लगाया है, ठीक है. और अब मैं इनर कॉर्नर लूंगी, इनर कॉर्नर पे मैं इससे भी और लाइट कलर अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा हल्का सा मैंने शिमरी उठाया है. कॉर्नर्स पे मैंने शिमरी इसलिए उठाया है
वाई बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि छोटी आईज पे थोड़ा सा एक वाइडर लुक देना बहुत ज़रूरी होता है. तो शिमरी से क्या होता है, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत सुंदर निकल के आता है फिर. और फिर हम तीनों कलर्स को ब्लेंड कर देंगे. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है. हम तीनों को फिर ब्लेंड कर देंगे, तीनों कलर्स को, जो उनकी तीनों की लाइंस हैं उनको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है. मेकअप इज़ बेसिकली ब्लेंडिंग. जितना ब्लेंड अच्छे से करोगे उतना आपका फिनिश, मेकअप का फिनिश बहुत अच्छा आता है. दोबारा से थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स को डार्क करूंगी. आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा डार्क कर दिए दोबारा से. इसमें हल्का सा मैं डार्क ब्राउन भी ऐड करूंगी, डार्क रोज पिंक के साथ हल्का सा डार्क ब्राउन ऐड करूंगी. आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक, आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन. वाई अगेन, बिकॉज ब्लैक से थोड़ा सा शार्पनेस ज़्यादा दिखती है. सो आई वॉन्ट टू गिव हर अ सॉफ्ट लुक, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्केस्ट ऑफ ब्राउन. कैन यू सी द कलर्स, दे आर फ्लोइंग. ऊपर क्रीज इज ब्राउन, then we have dark rose pink, then we have brown, we have medium, then we have shimmery. So we have so many colors flowing in the shades of pink only. Now what I'll do is, I have kept a gap here. Agar aap dekh sakte hain, yahan pe gap hai. Isko main halka sa ek shine dungi of white color, just to give a nice shine. पहले हम मैट इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वो एक क्लीन हमारे को वो एरिया मिल जाए, सो दैट हमें पता चल जाए कि कहाँ हमारे को वो शाइन देनी है. सो आई हैव गिवन अ क्लीन, आई हैव क्लीन्ड दिस एरिया. सो नाउ आई नो कि मेरे को यहाँ पे शाइन डालनी है, राइट? क्रीज लाइन से ऊपर और आईब्रो लाइन से नीचे, आईब्रो बोन पे मेरे को बेसिकली ये शाइन डालनी है. मैंने जो क्रीज बनाई थी मैं उसको भी इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस. मैंने ये ब्लेंड कर दी है, सो यू कैन नॉट सी एनी लाइंस हियर. अगर आप देखोगे ये लुक, आपको कहीं पे भी लाइंस नहीं दिखेंगे. इफ़ यू कंपेयर दिस एरिया विद दिस एरिया, यहाँ पे आपको लाइंस प्रोमिनेंटली दिख रही हैं, यहाँ देर आर नो लाइंस विजिबल. सो आई हैव जस्ट ब्लेंडेड एवरीथिंग. सो एज आई टोल्ड यू, मेकअप इज ऑल ब्लेंडिंग, देर शुड बी नो लाइंस विजिबल. सो अगेन आई एम अप्लाइंग अ शिमरी पार्ट ऑन दैट एरिया. पहले आप उसको अप्लाई करो, फिर उसको बाद में ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दो in a rotatory form. बहुत ही हल्के हाथ से आपने सर्कुलर मोशन में अपना ब्रश घुमाना है. Right? So this way we complete with our eye makeup part. अभी बहुत कुछ रहता है, liner is left. वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है? Okay, I have done with her eye makeup now. On the liner and lashes part, we'll do it later. Subscribe for more such informative videos.